सो गाइज, आज मैं डेप्थ कंपैरिजन करने वाला हूँ एसर वी सीरीज क्यूले 32 इंच स्मार्ट टीवी एंड गाइज एमआई ए सीरीज 32 इंच स्मार्ट टीवी। ये दोनों 2023 के मॉडल है गाइज, और अगर आप कंफ्यूजन हो कि इन दोनों स्मार्ट टीवी में से कौन सा कंसीडर करना चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्लियर डिसीजन मिलने वाली है। देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जो कि कोई भी टीवी बाय करते हैं तो पहले टीवी को ऑन करके चेक करते हैं। तो अगर आप टीवी को बूट करते हो फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे Xiaomi गाइस जो कि MIA सीरीज है ये फर्स्ट रैंक पे आने वाले, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर गाइस वो ज्यादा ही पावरफुल है और इसमें पैटबॉल का भी एक एडवांटेज मिल जाता है, जिस वजह से ये पहले एप्स को रन कर लेते हैं, पहले सारा एप्स लोड हो जाते हैं। लेकिन एसर एडवांस सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है गाइस, वहां पे पैटबॉल मिसिंग है तो इस वजह से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे बूट कंपैरिजन लेकिन MIA सीरीज में एक एडवांटेज आपको मिल जाती है, वो पैचवॉल का। तो आप पैचवॉल का भी इंटरफेस का मजे ले सकते हो। एक्चुअली देखो पैचवॉल करता क्या है, यहाँ पे मेरे पीछे गाइज MIA का टीवी लगा हुआ है, तो मैं आपको पैचवॉल का थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ कि इसका इंटरफेस कैसा होता है, जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपको MIA सीरीज में जो मिलने वाली है वो Acer से कितना अलग रहने वाली है। सो देख सकते हो आप यहाँ पे ये Google का इंटरफेस है गाइस, ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, Netflix, Prime Video, YouTube, ये सारे चीज। और ऐसे ही सेम चीज आपको Acer V सीरीज में भी रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे आपको पैचवॉल का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको यहाँ पे बटन में भी दिए गए रिमोट में। आप पैचवॉल पे जैसे क्लिक करोगे तो देख सकते हो ये पैचवॉल का इंटरफेस यहाँ पे ये चला गया है, और यहाँ पे देख सकते हो यू आर ऑफलाइन लिखा हुआ है, यानी कि मैं अभी इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया। इस वजह से यहाँ पे जो भी शो होएगा, मूवीज, किड्स कंटेंट, म्यूजिक शोज, स्पोर्ट, ये सब चीज अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे एक्चुअली ये करता क्या है, जो चीज आप देख रहे हो लाइक जिस भी OTT प्लेटफॉर्म के अंदर में आप जो चीज देख रहे हो ये आपको वहीं पे शो कर देंगे और वहीं से आप कंटिन्यू देख सकते हो। खैर, ऐसा चीज आपको यहाँ पे गूगल OS में भी देखने को मिल जाता है, तो उतना कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक एडवांटेज है गाइज, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है MIA सीरीज का। सो फाइनली गाइज, डिस्प्ले पार्ट। जी हाँ, किसी भी स्मार्ट टीवी के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है गाइज, उसका डिस्प्ले पॉइंट। जी हाँ, अगर Acer की बात की जाए गाइज तो यहाँ पे क्यूलेड पैनल मिलते हैं, लेकिन MIA सीरीज में आपको क्यूलेड पैनल मिसिंग है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि 32 इंच स्मार्ट टीवी में गाइज Acer में ही ये चीज आते हैं और यहाँ पे Infinix में भी आते हैं। तो इन दोनों का अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने का जरूर ट्राई करूंगा। बाकी गाइज, यहाँ पे अगर कलर्स वगैरह की बात की जाए तो बहुत बहुत आगे निकल जाते हैं। आप क्लिप्स में यहाँ पे देख सकते हो, एक साइड गाइज Acer का टीवी रखा हुआ है और एक साइड आपको MIA सीरीज रखा हुआ है। ब्राइटनेस में तो आपको आकाश पाताल का फर्क देखने को मिलता ही होगा। साथ में कलर्स की बात की जाए गाइज तो यहाँ पे क्लियरिटी भी आपको Acer में मिल जाते हैं बिकॉज क्यूलेड पैनल दिए गए, लेकिन MIA सीरीज में थोड़ा सा वीडियो डल लग रहा है, यानी कि आपको लाइट्स जहाँ पे ऑफ रहते हैं गाइज वहीं पे आप MIA सीरीज का मजे ले सकते हो। बाकी अगर ब्राइटनेस जैसे डे लाइट में अगर आप देख रहे हो टीवी को, तो जितना Acer से आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो मजे मिलने वाले हैं, वो आपको MIA सीरीज में नहीं मिलने वाले। तो डिस्प्ले पार्ट्स मस्ट इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। दोनों ही स्मार्ट टीवी के साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे Acer में गाइज 30 वाट के स्पीकर मिलते हैं और वही MIA सीरीज में गाइज 20 वाट का ही स्पीकर मिलता है। तो ऑब्वियसली लाउडनेस में दोनों में डिफरेंट रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करने के लिए आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्ट टीवी को साइड बाय साइड रखा गया है और दोनों में मैं एक म्यूजिक प्ले करूंगा, जिससे आपको एक क्लियर डिसीजन मिलने वाली है।
तो आपको पता चल ही गया होगा कि किसमें कैसा लाउडनेस है गाइज, कैसा क्लियरिटी आवाज है। वैसे मैं बता दूं कि दोनों में डॉल्बी का भी सपोर्ट है। तो गाइज मेरा बात की जाए तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एसर में आपको एडवांटेज मिल जाती है वीडियो क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी में भी। सो दोनों ही स्मार्ट टीवी की रिमोट के बारे में बात की जाए तो देखने में दोनों सिमिलर है, बिकॉज दोनों ही रिमोट गाइज मैजिक रिमोट आता है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, लेकिन बटन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे MIA सीरीज के रिमोट में, जो कि कुछ लिमिटेड बटन है, लेकिन हॉट कीज मिल जाते हैं, नेविगेशन बटन मिल जाते हैं, हाँ बट म्यूट का बटन मिसिंग है गाइस। और एसर में आपको म्यूट का बटन भी मिल जाता है और बहुत सारे बटन मिल जाते हैं जिससे आप हैंडल कर सकते हो अपने टीवी को बहुत ही आसानी तरीके से। लेकिन MIA सीरीज में गाइस बहुत ही कम बटन के साथ आपको अपने टीवी को रन करना होगा, जैसे कि आपको म्यूट भी करना हो तो आप देख सकते हो जो वॉल्यूम का माइनस बटन है उसी को आप दो बार दबाओगे तो उसके बाद म्यूट होने वाला है, तो ऐसा कुछ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रिमोट में भी अगर देखा जाए गाइस तो एसर प्लस पॉइंट दे जाते हैं, क्योंकि एसर का रिमोट गाइस लुक वाइज भी बहुत ही प्यारे हैं। सो गाइस दोनों ही स्मार्ट टीवी की पोर्ट्स की बात की जाए गाइस तो दोनों में सिमिलर दिए गए हैं, बस एवी केबल में थोड़ा सा डिफरेंट है, आप MIA सीरीज में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एसर में गाइस आपको अलग से कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये चीज यहाँ पे कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये आपको डे टू डे लाइफ में ज्यादा काम भी आने वाले नहीं है, तो यहाँ पे दोनों सिमिलर ही कह सकते हो। वैसे गाइस लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए गाइस तो मैं दोनों ही स्मार्ट टीवी में किसी को डिफरेंट नहीं कहने वाला हूँ, बिकॉज गाइस दोनों में बेजललेस डिजाइन है, दोनों में आपको सिमिलर लुक्स देखने को मिलते हैं, आपको थ्री साइड बेजल लेस देखने को मिलेगा, एक साइड ब्रांडिंग का लोगो की वजह से आपको थोड़ा सा मोटा बेजल देखने को मिलता है, तो दोनों सिमिलर ही है लुक एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज। सो गाइस दोनों ही स्मार्ट टीवी को प्राइस पॉइंट व्यू से अगर आप देखते हो तो एसर आपको 15,000 से 16,000 के बीच में मिलते हैं और MIA सीरीज गाइस वो 13,000 से 14,000 रुपए के बीच में मिलते हैं, लेकिन 1-2,000 एक्स्ट्रा यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है। फिर भी अगर मेरा अगर ओपिनियन अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कौन सा बाय करूंगा तो मैं 1-2,000 एक्स्ट्रा पे करके भी एसर को ही बाय करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूलेट पैनल मिलते हैं और वीडियो क्वालिटी गाइस ऑसम लेवल की मिलती है। लेकिन मुझे पता है गाइस कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे जो आफ्टर सेल सर्विस है गाइस वो MIA का बेटर है अगर आप कंपेयर करते हो एसर से। तो बाकी गाइस आप इन दोनों स्मार्ट टीवी में से कौन सा बाय कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपका डिसीजन जानने के लिए। बाकी गाइस मैं ऐसे कंपेयर वीडियोस लाता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।